2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार चुनावी बजट लेकर के आ रही है। 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा, तो इस बजट से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए क्योंकि चुनाव के पहले का बजट है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये चुनावी बजट लोगों को खुशियां देगा कि उनकी जेब जो है वो काटी जाएगी। तो हमारे साथ प्रयागराज में हम मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है, इससे क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कुछ इससे लाभ मिलेगा आम लोगों को, या फिर एक बार फिर से टैक्स जो है उनका भार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये चुनावी बजट नहीं है, बजट हर साल आता है। और अभी आप बोल रहे थे ये चुनावी बजट है, ये कोई लोक लुभावन बजट नहीं है, हर साल बजट आता है। और इस साल के बजट में मेरी ये इच्छा है, या हम लोगों की तरफ से ये चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल और GST, पेट्रोल और डीजल पर को GST के दायरे में ला दे। तो अगर GST के दायरे में ला देगा तो आम जनता को बड़ी खुशी होगी और वो सस्ता हो सकता है। तो इसलिए पहली ये डिमांड है। दूसरी, 80C के अंतर्गत जो सीमाएं हैं वो बढ़ा दी जाएं, इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ चुका है पहले से, लेकिन 80C का दायरा, छूट में जो लाभ मिलता था लोगों को, उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी। तो ये 80C का दायरा बहुत पहले से एक फिक्स चला आ रहा है, अगर उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी तो थोड़ा सा राहत लोगों को और मिलेगा, और सरकार को भी राहत मिलेगा कि लोग गवर्नमेंट के ही और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगे। आप क्या कह रहे हैं, क्या लगता है क्या मिलेगा इस बजट? नहीं, बजट हमारे हिसाब से देखिए, सरकार जो है, पहली बात तो जनहित की सरकार है, जनता के हित को रखते हुए सारे ये जो बजट आ रहा है, इसमें नौजवानों का, किसानों का, छोटे मोटे व्यापारियों का, कारोबारियों का, सबका ध्यान रखा जाएगा। और यही सरकार से उम्मीद भी जनता रखती है, और सरकार कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद पे इस समय खरी उतर रही है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? ये मेरा है कि जैसे सरकार जो है ना, वो किसी पार्टी के न हो के जनमानस की है, उसे अंतिम व्यक्ति के बारे में पहले सोचना चाहिए। जैसे हमारे किसान लोग हैं, तो जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, उसके बजाय यदि उनको खाद में, बीज में, और उनके लिए जल की जो पानी की व्यवस्था है जहाँ नहीं है उसकी देगी, तो उनसे जो पैदावार होगी उसमें शायद उनका परिवार, यदि उनके बच्चे सही से रहेंगे तो सही रहेगा। जैसे मैं छात्र हूँ, एक छात्र के पक्ष से यदि बोलूँ, तो छात्रों की जैसे फीस जो उस फॉर्म की आ रही है, ठीक है, उसको कम किया जाए, एक प्रॉपर वैकेंसी उनके लिए निकाली जाए, क्योंकि उम्र बीत जाने के बाद उनके साथ समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो बजट रोजगार की तरफ फोकस कर, रोजगार की तरफ उन्हें फोकस कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी ही हो, प्राइवेट भी हो, तो एक सुचितापूर्ण मानो हर जगह, जहाँ शोषण ना हो। यदि उनको वर्क का टाइम दिया जा रहा है तो उस वर्क का एक सही फीस उन्हें मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे बजट जो आने जा रहा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की जो गवर्नमेंट है, थोड़ा सा महिलाओं के प्रति जो रसोई में गैस का दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, काफ़ी दाम बढ़ा हुआ है। महिलाएं का अगर सुविधा देंगे तो उनकी गवर्नमेंट और आगे बढ़ेगी। और मेल पर्सन में बच्चों, जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनकी फीस ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज में, उसको कंट्रोल करें, और पेट्रोल के दाम पर थोड़ा सा कंट्रोल करें तो काफ़ी बेहतर होगा। थैंक यू। पेट्रोल के दाम कंट्रोल होने चाहिए, और क्या चाहते हैं आप? भैया देखिए, हम आपको बताएं, आम आदमी के लिए पेट्रोल भी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन नमक का दाम अगर आप देखें तो बढ़ा हुआ है, दाल अपने उस पर है, सवाब पे ही है। और अगर आप देखें तो टैक्सेस, ये अगर जैसे पेट्रोल भैया कह रहे हैं, तो पेट्रोल तो आप कार में यूज करते हैं, और आप हर 70 किलोमीटर पे आप पाएंगे एक टोल टैक्स बना हुआ है। बनारस हाईवे पर जाएंगे तो भाई साहब 210 रुपये जाते वक्त कटता है, आते वक्त 95 और 100 रुपये ऐसा कुछ कटता है। ऐसे ही आप इधर जाएंगे, क्या इधर से इलाहाबाद किधर जाइए, 70 किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे। और टोल टैक्स पे नितिन गडकरी जी ने कहा था 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको जाके देखिए आधा आधा घंटा लग जाता है कभी कभी टोल टैक्स पे। ऐसे ये हालत है, इधर जाइएगा आप, इधर मिर्ज़ापुर साइड जाइएगा, हाँ तो मिर्ज़ापुर साइड जाइए, तो आप देखिएगा अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने ज़माने में चलता था। आपको क्या लगता है, इनकम टैक्स का जो दायरा है उसमें कुछ राहत और मिल सकती है? मुझे लगता है कि दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है, उससे ज़्यादा राहत मिलने की संभावना हो तो अच्छी बात है। हमेशा अच्छा जितना बढ़ा दिया जाए, हर आदमी की लालच बढ़ती जाती है। सरकार कुछ ऐसे स्टेप भी उठा ले तो ज़्यादा अच्छी बात है व्यापारियों की तरफ से। जैसे आम आदमी जब बाज़ार में आके ख़रीदारी करता है, GST 18%, किसी पर 28%, किसी पर 12% है। इंटरनेट से ख़रीदारी पर सरकार अपने GST को डबल कर ले तो सरकार के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आ जाएगा, आम आदमी को राहत दिलाने के लिए उनके पास फंड होगा, और जनता को राहत दिलाने की सारी योजनाएं तो सरकार पहले से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। पेट्रोल डीजल पर GST के दायरे में ला देगी, अपने आप सस्ता हो जाएगा। बजट से जो राहत हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, बस हम इतना चाहते हैं कि जो आम जनमानस ने दुकानें खोल रखी हैं, रिटेल मार्केट है,
वो ई कॉमर्स और बड़े घरानों ने डेंट कर दिया है और उन लोगों के पास कस्टमर नहीं रह गया है। तो जो विकलांगों के लिए ई कॉमर्स बनाया गया था उस पर से सुविधा भोगी सुविधा प्राप्त करने वाले लोगों को डबल जीएसटी के दायरे में ला दें तो सरकार के पास फंड अच्छा होगा और लोगों को राहत की सांस लेंगे। आपको क्या लगता है जीएसटी जो है वो एक इशू हो सकता है? हाँ, जीएसटी एक इशू हो सकता है क्योंकि सरकार देखिए सरकार तो जाहिर बात है मोदी जी ने एक बार कहा था कि सरकार यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं है, लेकिन मोदी जी ही एक चीज़ समझे कि जीएसटी को वो उन्होंने इतना तगड़ा इंप्लीमेंट किया है तो भैया जैसे करें पेट्रोल के लिए जीएसटी के अंतर्गत तो ये करना चाहिए उनको। इससे क्या होगा ना कि चीज़ें जो हैं वो खुल के आएंगी, देखिए विपक्षी भी मांग कर रहे हैं जीएसटी तो उनको बातें माननी चाहिए। बाकी तो सरकार काफ़ी बाकी सब मामलों में सरकार अच्छी क्योंकि विकास का काम बहुत तगड़ा हो रहा है तो मैं मानता हूँ। महिलाएं यहाँ हमारे साथ नहीं है लेकिन लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ हैं घरेलू उपयोग की जिस पर थोड़ी सी और कुछ छूट मिले, टैक्स में छूट मिले, गैस और सिलेंडर की तो बात हो ही रही है, पेट्रोल की बात हो रही है। देखिए पुरुष क्या है वो तो बाहर कमाता है लेकिन घर का जो बजट है वो अक्सर महिलाएं संभालती हैं, उसमें कितने सब्जी आना क्या नमक आना सब उनको संभालना पड़ता है। तो जो महंगाई बढ़ी हुई है उसकी वास्तविक भुगतान महिलाएं करती हैं, कई सारे उनमें खर्चे बचा के करती हैं। तो इसमें जैसे गैस है या जो जैसे नमक है, जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी देश की नमक की कीमत यदि बढ़ती है तो वो देश बड़ी बुरी स्थिति में है। जैसे वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का जीएसटी का 75% जो कर्ज पे है, सरकार को उस कर्ज को पाटने में अपना समय दिखाना, मानो चीज़ें जो आ रही सब्सिडी आ रही है वो दिखावे में एडवर्टाइजमेंट खर्च करने के बजाय उस कर्ज को पाड़ने में जिससे महंगाई हमारी कम हो, साथ में कुटीर उद्योगों में उनको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि कुटीर उद्योग जो होते हैं वो देश की आम जनता की रीढ़ होते हैं। बड़े उद्योग घराने में बढ़ाने में आपको खाई बढ़ेगी, महंगाई अमीरी और गरीबी खाई बढ़ेगी और उसको पाटने में जब एक समय बाद समस्या आएंगे तो बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा और देश कहीं ना कहीं दिवालिया की स्थिति में तभी पहुँचता है जब खाइयाँ बढ़ जाती हैं। अब जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को जितनी राहत मिल रही है, जैसे किसी को राशन फ्री मिल रहा है, किसी को घर फ्री मिल रहा है, ये सुविधाएं कंटिन्यू रहें और ई कॉमर्स और बड़े घरानों को वो राहत न मिले बल्कि आम जनमानस को वो सुविधा मिले, दुकानें चलें, बाजार उठे, लोगों में खुशियां रहें, इससे संबंधित बजट हो तो ज़्यादा प्रसन्नता होगी। भैया के बात काटूंगा कि जो वेतन बढ़ा हुआ है या कमाई बढ़ी हुई है ये एक सीमित दायरे में है, एक भारत का लगभग 60% हिस्सा अभी भी किसानी की तरफ या ग्रामीण उसमें काम में लगा हुआ है मजदूरी में और उनका सबका दायरा छोटा। मनरेगा पे यदि जाएंगे तो आज ही मनरेगा पे 170 रुपये मिलता है, सारे खर्चे 209 रुपये मिल रहे हैं। और किसानी की बात है, किसान का जो खेती जो होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप क्या बो रहे हैं, डिपेंड करती मौसम पे बहुत डिपेंड करती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, ठीक है, कभी कोहरा पड़ गया, तो जैसे कोहरा पड़ गया तो अरहर पैदा नहीं होगी, सरसों में खराबी सरसों खराब हो चुका, मसूर खराब हो चुका, चना खराब हो चुका है, तो उसकी कमाई नहीं है। तो सरकार उनको जो सब्सिडी भैया का दुगना और दुगना नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, वो सीमित लोग तक सीमित है। वो आज आलू महंगा सस्ता गाँव में 2 रुपये किलो बिक रहा है लेकिन मार्केट में आज 15-20 रुपये मिल रहा है, तो ये नहीं, सरकार वहाँ व्यवस्था स्टोरेज की व्यवस्था करे उनको। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 5 किलो राशन देने के बजाय उनके बीजों में बीजों को सब्सिडी दे दे, खाद में। आदमी तो खेतियार है नहीं, तमाम लोगों के पास मैक्सिमम लोग है क्योंकि हम लोग खेती हम किसानों को राहत है, कैसे राहत है? अभी हो सकता है ये भाई साहब अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, फिर से गांव ये जाएं और ये देखें कि किसानों को डबल से ज़्यादा का लाभ है और लाभ एक तरफ से नहीं है। जितनी भी दैविक आपदाओं से अगर किसान जूझता था तो आज यही इसी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट खेती पर भी काम शुरू किया है। अगर किसान चाहे और उसको लगता है कि उसका खेत चौपट हो गया और उसका फसल नष्ट हो गया, उसका सारा नुकसान हो गया, तो किसान खेती के समय ही कॉन्ट्रैक्ट खेती कर ले, नुकसान हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ तो वो डबल पे पहले से ही पैसा लेकर के बैठा है। ये विकल्प नहीं, देखिए ये इंदौर में शुरू किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है इंदौर में शुरू किया गया था और इसमें जिस एजेंसी ने लिया था, ठीक है, उस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब फसल के दाने सही से नहीं आए तो उसी किसानों को छोड़ दिया गया था, जिसका नुकसान इंदौर में हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट खेती का नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, खेती जो होती है उसमें यूरिया नमक डालकर खेती को उर्वरता छीन लेते हैं, उसके बाद जब उस उर्वरता नहीं बनती है तो किसानों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे किसान उसमें कुछ नहीं कर रहे और मजदूरी के लिए पलायन के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। आपको क्या लग क्या उम्मीदें हैं? देखिए भैया, हम आपको साफ साफ बताएं, सरकार को चाहिए कि आम आदमी के ऊपर ध्यान दे, इस बजट में ये करे कि भैया जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है उनको ऐसा कुछ करे कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं बोझ आम आदमी के ऊपर ही पड़ रहा होगा। सरकार उसको कहीं ना कहीं उस पैसे को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं से आम आदमी के ऊपर ही बोझ डाल रही है। भैया ने जो नमक बोला है, प्रेम मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे याद आती है कि आज 25 रुपये का टाटा नमक है, 28 रुपये हो गया है और टैक्स भी उस पर लग रहा है। आप आटा देखिए कि 46 रुपये किलो पड़ रहा है, अगर आटा खरीदता है आदमी कोई, तो सब चीज़ें अगर आप देखें बहुत छोटी चीज़ों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार जो है कुछ राहत की
खबर ज़रूर सुनाएगी। बजट के दौरान आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि लोगों को लगता है कि जो टैक्स है तमाम आम चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, और जिस तरह से पेट्रोल के दाम की बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, तो उसको लेकर के लोग चाहते हैं कि उसमें भी जो टैक्स है उसमें लोगों को राहत मिले। बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो लोगों के हित में होगा। भले ही चुनावी बजट क्यों ना हो, लेकिन लोगों का मानना है कि सरकार जो है एक जन कल्याणकारी बजट लेकर इस बार सामने आएगी। 1 फरवरी को देश का बजट आ रहा है। इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। क्या जनता चाहती है, जनता क्या सोच रही है इस बार के बजट को लेकर के, यही जानने के लिए हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं, चहल पहल है, और इन्हीं सब के बीच में आखिर जनता इस बार के बजट को लेकर के क्या मूड बना रही है, क्या लगता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या ये बजट इस बार का चुनावी बजट होगा, जनता को लोग लुभावनी चीज़ें मिलने वाली हैं, या फिर ज़रूरत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी इस बार कुछ चीज़ें अहम भी हो सकती हैं। यही जानने के लिए जनता के बीच में हम लोगों से जानेंगे क्या लग रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण बजट है, कैसे देख रहे हैं। नहीं, बजट जो भारतीय जनता पार्टी को देश हित में हो, जनता के हित में होगा, जिसमें जनता की सहूलतें मिलें, जनता की सारी सुविधाओं का लाभ मिले, और जो भी उनका वो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए जो भी उपाय होंगे वो भारतीय जनता पार्टी इस बजट में करेगी। इनकम टैक्स में क्या कुछ राहत की उम्मीद, या बढ़ती हुई महंगाई को के मद्देनज़र क्या लग रहा है? देखो, महंगाई तो कोई खास नहीं है, बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझ को, जिस हिसाब से कंजेस्टेड, एक तो अर्थशास्त्र का नियम है, जो जिस चीज़ ज़्यादा वो खपत होगी तो उसकी महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, तो हो रहा है, महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और कुछ ना कुछ सहूलतें जनता को बहुत मिलेंगी इस बजट में, और जनता के हित में होगा। किसान, गृहिणी और युवा लिएगा, सबका, सबके लिए, सबका साथ सबका विश्वास वाले आधार पर ही बजट होगा। आप देख लीजिएगा जब बजट आएगा 1 तारीख को, तो एकदम सब संतुष्ट होंगे। क्या लग रहा है इस बार बजट कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान दी जानी चाहिए, और क्या क्या मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सभी वर्गों को बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है, क्या लग रहा है? देखिए, ये पूरी उम्मीद है कि सरकार नौकरी भी लाएगी, किसानों के भी हित की बात करेगी, शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास हैं, सड़क योजना है, बिजली है, पानी है, किसानों मजदूरों की जो भी योजनाएं हैं वो मोदी जी, ये कोई चुनावी साल के वजह से नहीं, हमेशा जो है बजट अच्छा लाते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बजट की कार्य कल्याणी योजनाएं जो आई हैं वो मुसलमानों के पक्ष में आई हैं, और मुसलमान जो है अपना मोदी जी का एक परिवार का मानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझू, और हम भी एक मुसलमान होते हुए 1,40,000 का एक प्रधानमंत्री आवास पाया है। मैं आपके चैनल से ईमानदारी से और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को बजट से क्या उम्मीद है? बजट से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। क्या क्या लग रहा है कि युवाओं को, गृहिणियों को, गरीबों को, दबे कुचलों को, सबको सहारा सरकार जो है अच्छी दे रही और बजट में भी अच्छी जो है पार्लियामेंट में पेश करेगी। इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने, छूट मिलने की उम्मीद? हाँ हाँ, जरूर कुछ ना कुछ सरकार करेगी। सरकार अभी ने कहा ऐसा कोई काम हिंदू मुसलमान गरीब अमीर के दुखाने वाला कोई काम ही नहीं किया है, सभी जनता के हित में किया है, बाकी विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। महंगाई को लेकर के सरकार को घेरा जाता है, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं महंगाई से? अच्छा, आप हमको एक चीज़ बता दिया है, नखलऊ शहर दुबग्गा में अगर 2014 में आपने प्लाट 1 लाख का लिया होगा तो आज 4 लाख का हो गया होगा, तो इस तरीके से महंगाई भी जो है बढ़ रही है, तो अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है, उसको कोई नहीं कहने वाला है। क्या लग रहा है बजट इस बार कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रमुख चीज़ें जो रहेंगी? देखिए, बजट में सबसे बड़ा तो युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ज़्यादातर उनके लिए ये बहुत ख़ास बजट होगा, जो है मध्यम लोगों के लिए भी बहुत खास बजट ही होगा, और इसमें सशक्तिकरण, नारी उत्थान से लगा करके सारा कुछ इस बजट में होगा, और बजट बहुत अच्छा आना चाहिए, उम्मीद यही है जो है। और आने वाले समय में देखिए, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सारी चीज़ें जब बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ती है,
जो है, जब जिस चीज़ का ज़्यादा वो हो जाएगा तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई के साथ साथ में रोज़गार के भी साधन बढ़ते हैं जो है, और रोज़गार जैसे तमाम, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, ये है वो है, दुनिया की बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आदमी काम करने वाले 500-600 रुपया तो दिहाड़ी की मजदूरी चल रही है, मजदूर नहीं मिलते हैं दिहाड़ी के लिए जो है। गाँव में 400-500 रुपया गाँव में मजदूरी चल रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी गई एकदम से जो है। तो उसमें बजट जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा और किसान हित में होगा। क्या लग रहा है इनकम टैक्स में, महंगाई में, या इनमें कुछ बड़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल 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 राहत मिलेगी जो है, इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगी और महंगाई में तो राहत बढ़िया मिलेगी इसमें। इसके युवाओं को, गृहणियों को, इन लोग को कुछ उम्मीद है इस बजट? इनको उम्मीद तो ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखिए जो हमारे जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, लगभग 65 गाड़ियों में जो है महिला कंडक्टर, महिला ड्राइवर, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से जो है किया जा रहा है, तो महिलाओं का उत्थान और जो हमारे युवा वो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जोर फोकस उसी पे दिया गया है जो है उस बजट में दिया जाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? चुनावी बजट होगा या जनता के हित का बजट होगा या क्या क्या चीज़ें होंगी? मुझे लगता है महंगाई बढ़ा देना चाहिए, महंगाई बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रत व्यक्ति की जो कर्जा है, मोदी जी पहले उसको कम करें। महंगाई बढ़ा देना चाहिए, जनता महंगाई सह लेगी, जनता आपको वोट भी दे देगी, लेकिन कर्जा बर्दाश्त नहीं होता, रात को सोने नहीं देता। ये बेचैनी जो कर्जे की बेचैनी है ना, वो सोने नहीं देती। कर्जा इतना बढ़ा देना चाहिए कि 100 रुपये की चीज़ 500 में हो जाए, लेकिन कर्जा नहीं होना चाहिए। बजट से क्या लग रहा है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। किसान, गृहिणी और युवाओं के लिए क्या लग रहा है? युवाओं को अपने बूढ़े होने का इंतज़ार करना चाहिए और किसानों को किसानी छोड़कर व्यापार करना चाहिए। मैं तो नहीं जानता। क्या इस 1 तारीख को बजट आ रहा है देश का, क्या प्रमुख चीज़ें लग रहा है कि इस बार के बजट में होनी? बजट जनता के हित का आता है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जनता के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, आप सबके सम्मान के लिए पार्टी काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से भ्रष्टाचारी, गुंडे, माफिया, मोदी योगी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये हर नागरिक को बोलना चाहिए, हर इंसान को बोलना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए। और भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं आज। और क्या लगता है इस बार की इनकम टैक्स में, महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है बजट? भाई साहब चुनावी बजट भी क्योंकि बताऊँ, एक बात सुनिए, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का हर रोज़ चुनाव होता है और चुनाव की और उस कुर्सी की, जैसे कि हमें कुछ राजनीति कुछ बन जाए, मंत्री बन जाए या हमारा यहाँ सरकार बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सिर्फ जनता के हित के काम करती है, जनता के विकास के काम करती है। उसका नारा भी है हमारा, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान के साथ और सबके प्रयास के साथ कार्य हो रहा है। एक रोड पे चलने वाला एक आम इंसान, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, ये नहीं कह सकते बूथ अध्यक्ष बोलते हैं, एक कार्यकर्ता एक सदस्य होता है, और ये नहीं कह सकते कब कितने खन पार्टी की नज़रों में चढ़ जाए ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता एक बूथ अध्यक्ष होकर के, और देश का पूरे देश का प्रदेश का मतलब प्रदेश का मंत्री भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे जेपी नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी आज गृह मंत्री हैं, ये जमीनी स्तर से निकले हुए हैं, उन्होंने परेशानियां सब चीज़ों को झेला है और पार्टी को किस तरीके से खींच के इतना बड़ा किया माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए। किसान, युवा और गृहिणी, इन लोगों के लिए क्या होगा इस बजट में, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या लग रहा है उम्मीद? नहीं, सबके हक और अधिकार के सोच समझ करके बजट आएगा, ऐसी बात